हाय आफ्ताब ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है गाइस। आज फिर से हम नए एक ट्रिप पे जा रहे हैं जो एरोली में पड़ता है, नवी मुंबई में। इस पार्क का नाम है फ्लेमिंगो पार्क। ये पार्क के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा चर्चे में है नहीं, जैसे कि मुमरा और थाना लोकेशन के लोगों के लिए तो काफ़ी नियर में है, बट काफ़ी लोग इसको जानते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं एक्सप्लोर करके देखता हूँ ताकि लोग वहाँ पर जाके इंजॉय कर सकें। तो आज हम चलते हैं वहाँ के भी ट्रिप करके देखते हैं वहाँ का टाइमिंग क्या होगा एंड वहाँ की एंट्री फ़ी है या नहीं है वो भी पता कर लेंगे और किस दिन वो क्लोज होता है वो भी पता करते हैं हम। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो के एंड तक के ज़रूर बने रहिएगा। तो हम चल के देखते हैं। शायद ही हम लोगों का बैड लक था कि जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो उस वक्त एक भी लोग शिपिंग में नहीं थे और ना शिपिंग चालू थी, तो हम शायद गलत वक्त पे पहुँच गए थे। जब हम लोगों ने वॉचमैन से रिटर्न में पूछा है तो उसने हम लोगों को बताया कि आप लोगों को सैटरडे या संडे को आना चाहिए, तब यहाँ पर विजिट ज़्यादा होते हैं और ये सब का भी एक एक टाइमिंग होता है शिपिंग का, जो आपको फ्लेमिंगो को दिखाने के लिए आपको दूर एक आवर्स की इसकी जर्नी होती है जिसका टिकट अराउंड 450 रुपीज़ के आसपास होता है। तो आप जब भी आइए तो प्लीज़ एक बार उसको ऑनलाइन विजिट करके देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि कब वहाँ पर अवेलेबल है शिपिंग का और कब वो वहाँ पर रश हो और कब जाना चाहिए।
फाइनली हम लोग यहाँ पर आ तो गए हैं, बट काफ़ी सन्नाटा है, लोग तो यहाँ पर है ही नहीं। तो पता नहीं इसका टाइमिंग का क्या है, या लोगों को शायद पता नहीं है तो इसी वजह से कोई आ रहा नहीं हो सकता है। बट मेरे पीछे अगर इसको चाहे तो लोग काफ़ी अच्छा कर सकते, कोई भी बोट भी नहीं चल रही है कि मतलब मैं आपको जाके बता सकता था कि फिल्म को कहाँ पर अवेलेबल होंगे, तो पता नहीं। जब हम रिटर्न हो रहे थे, मैं और मेरा फ्रेंड, तो हम लोगों ने देखा वहाँ पर एक लकड़ी का पुल भी था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो वहाँ पर भी एक राउंड मार के आते हैं। तो आप यकीन मानिए, वहाँ जाने के बाद हम लोगों को इतना अच्छा लगा, क्योंकि वो जो पुल बना है वो लकड़ी का था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब हम लोगों ने वो सफ़र तय किया है तो आप यकीन मानिए, वो काफ़ी अच्छा मौसम था और हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम इतनी गर्मी के मौसम में वहाँ पर गए हुए हैं, क्योंकि पेड़ों की छावनी थी और आप बीच में लकड़ी के पुल से आप रास्ता तय कर रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छा था। तो ये देखने लायक का था। तो आप जब भी वहाँ जाइए तो वो यहाँ ये लकड़ी के पुल पे विजिट ज़रूर करिएगा। और मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी रील्स बनाने के लिए, वीडियोज़ फ़ोटोज़ के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो आप जब इसको पार कर रहे थे, हम अपना रास्ता, हमें दिल ही नहीं हुआ था कि हम रिटर्न हो, तो हम सीधा चलते ही जा रहे थे। और एंड में जब आप पहुँचते हो तो वो भी नज़ारा काफ़ी अच्छा था। तो हम लोगों को तो काफ़ी इन्जॉय किया है वहाँ पर, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। जो हमारा गर्मी का वक्त था, जो गर्मी महसूस हो रही थी, वो गर्मी हम लोगों की पूरी हट गई, क्योंकि वो जब हम एंड में जब पहुँचे हैं तो इतना अच्छा लगा है। तो शाम के वक्त जब हम वहाँ पर खड़े होंगे तो और काफ़ी अच्छा होगा। और आपको तो वो बता सकता हूँ कि मैं आप कपल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, जो आप अच्छे फोटोग्राफ्स वगैरह वहाँ पर खड़े होकर ले सकते हो। आप नज़ारा तो देख ही रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। फाइनली वहाँ से हम लोगों ने फोटोग्राफ करने के बाद जब हम रिटर्न हुए हैं तो वहाँ पर एक सेंटर है जहाँ पर आपको फ्लेमिंगो एंड अच्छे अच्छे कला के वहाँ पर चीज़ें रखी हुई थी, आप देख ही सकते हो वीडियो में। तो आप रिटर्न में जब आते हो एग्जिट की तरफ, वहाँ पर भी आपको ये सब चीज़ देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर भी एक विजिट ज़रूर करिएगा आप लोग, काफ़ी अच्छा लगेगा वहाँ पर भी। फाइनली ये वाला भी ट्रिप हमारा ख़त्म होता है फ्लेमिंगो पार्क का। काफ़ी हम लोग थक चुके हैं और धूप भी कुछ ज़्यादा ही थी, इसी वजह से हम लोग अब यहाँ पर दी एंड कर रहे हैं। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे वीडियोस को शेयर करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रिप में नई जगह पर।